अगर आपने भी अभी हाल में कोई YouTube चैनल अपना स्टार्ट किया है या फिर कुछ समय हो गए हैं आपके और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे हैं, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं और आप इरिटेट हो रहे हो बहुत ही ज़्यादा, मन करता हुआ कि सब छोड़ छाड़ दें, बंद कर दें क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। और आपको अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मतलब कि होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि स्टार्ट किया, एक महीने हुए और एक महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, व्यूज भी आ जाने चाहिए, हज़ारों सब्सक्राइबर्स भी आ जाने चाहिए, सारी चीज़ें एक से दो महीने के अंदर चाहिए। बट प्रैक्टिकल वे में हम देखें तो ये चीज़ें इस तरीके से होती ही नहीं है, बहुत ही रैंडमली लोग मिलेंगे, मतलब 100 में से एक भी मिलना मुश्किल है कि जिनके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी चैनल अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसको ग्रो होने के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना चैनल स्टार्ट किया है, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो सबसे पहला रूल जो आपको फॉलो करना है वो ये कि आपको अपने चैनल पे रेगुलर वर्क करना है। अगर आपका नया चैनल है तो, मतलब कि नया चैनल स्टार्ट किया है तो आप जितनी ज़्यादा वीडियोज अपलोड करोगे अपने चैनल के ऊपर उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए और आपके चैनल के लिए, ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ वीडियो अपलोड करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो अपलोड करें, वीडियो उठाया किसी भी तरीके से बनाया अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने जो भी वीडियो आज अपलोड की, कोई भी आपकी पहली वीडियो आज है, आपने अपलोड कर दी, किसी भी तरीके से चीज़ें सीखी, आपने अपलोड की, ठीक है, अच्छी बात है। अब जब आप नेक्स्ट वीडियो बना रहे हो, नेक्स्ट वीडियो जब आप अपलोड करने जा रहे हो अपने चैनल पे, तो इस वीडियो से ज़्यादा उसमें सुधार होना चाहिए। जो गलतियाँ इस वीडियो में, पहली वाली वीडियो में हुई हैं, ये गलतियाँ नेक्स्ट वीडियो में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जाना है अपने वीडियो को, जब जिस तरीके से आप बना रहे हो उसको रिकॉर्ड करते टाइम उसको और अच्छे से रिकॉर्ड करें, और बेहतर तरीके से एडिट करें, और बेहतर तरीके से बोले, ये सारी चीज़ें आपको अपने वीडियो में अप्लाई करनी है। और इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए, ठीक है, इन जो चीज़ें मैंने अभी कही कि वीडियो को अच्छे से एडिट करना है, अच्छे से रिकॉर्ड करना है, अपने टॉपिक पे सही तरीके से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बतानी है, इन चीज़ों को यूज करते हुए रेगुलर वर्क करना है अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। आप वीक में 3 वीडियो अपलोड करो, या फिर हर रोज़ वीडियो अपलोड करो, या फिर एक वीक में 4 वीडियो अपलोड करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप जान लो कि अगर आपका चैनल नया है तो आप जितनी ज़्यादा वीडियोज अपलोड करोगे उतना ही बेहतर आपके लिए साबित होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लो कि आप किस तरीके से ये चीज़ें करोगे, यानी कि आपका जो भी टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें सेट कर लो, उसके बाद अपने चैनल पर वर्क करो। और कम से कम 6 महीने का टाइम तो ज़रूर देना चाहिए आपको अपने चैनल पे, मतलब एटलीस्ट 1 साल तो देना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मतलब टाइम लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, तो कम से कम अपने चैनल के ऊपर आप 6 महीने वर्क करो, यानी कि 6 महीने तक आप किसी भी तरीके के सब्सक्राइबर्स और व्यूज के चक्कर में मत पड़ो, मतलब कि उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे, जो भी व्यूज आएंगे, वो ऑटोमेटिकली आते जाएंगे आपके चैनल के ऊपर, ठीक है। उससे ज़्यादा, उन चीज़ों से ज़्यादा आपको फोकस करना है कि आप किस तरीके से रेगुलर वे में अच्छे तरीके से अपने चैनल के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर आप जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके चैनल के लिए। और आपको ये कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 6 महीने तक, 6 मंथ तक आप रेगुलर रहो अपने चैनल के ऊपर। अगर जो चीज़ें मैंने बताई इस तरीके से आप अपने चैनल पर 6 महीने तक रेगुलरली वर्क करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और इस चीज़ को और अच्छे तरीके से करने के लिए आप जो भी वीडियो बना रहे हो, अच्छा वीडियो बनाया, वीडियो रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ कर लिया, उस वीडियो को जब आप अपने चैनल पर अपलोड करने जा रहे हो तो उसके लिए एक बेहतर सा टाइटल भी ढूंढो, ठीक है। अच्छा सा टाइटल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइटल किस तरीके से ढूंढना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। टाइटल की चीज़ें हो गई, और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, वो है आपकी वीडियो का थंबनेल, ठीक है। तो अपने थंबनेल के ऊपर भी आपको वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट थंबनेल देख करके ही वीडियो के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो आपको अपने थंबनेल पे भी वर्क करना होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है, और सीखते हुए अपने चैनल पे रेगुलरली बेस में वर्क करना है, और 6 महीने तक इस चीज़ के ऊपर आप कंटिन्यू वर्क करो, बेहतर से बेहतर थंबनेल बनाना सीखो, एडिटिंग सीखो, ये सब कुछ करते हुए 6 महीने तक कंटिन्यू वर्क करो, आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट जैसे जैसे होंगे आपके चैनल पे ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर्स भी आते जाएंगे, व्यूज भी आते जाएंगे, ये सारी चीज़ें होने लगेगी अगर आप इस तरीके से वर्क करोगे, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई
सिखाई हैं इन चीज़ों को जरूर आप अपने चैनल पे अप्लाई करो और इसी तरीके से वर्क करो, एक बार इस चीज़ को ट्राई जरूर करो आप, ठीक है। और किसी भी तरीके के अगर आपके सवाल रह जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।